बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अफरोज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सिविल कंस्ट्रक्शन वाले। दोस्तों, जैसे कि आज की जो हमारी टॉपिक है और वीडियो जो है हमारी आज की, वो रिलेटेड टू प्लान मार्केट के बारे में। यहाँ पे 4 प्लाट है, यहाँ पे 92-12 मीटर के, यहाँ पे किस तरह से, यहाँ पे 4th मेरा पार्ट 4 है, पार्ट 4 में यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे लाइन डाल रहे हैं, मतलब सेंटर लाइन डाल रहे हैं, सेंटर लाइन मार्केट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे ये वर्क हो चुका है। तो यहाँ पे किस तरह से हुआ है मैं बताता हूँ इस वीडियो में, बने रहिए इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी हासिल करने के लिए। वेलकम बैक टू ऑल अवर यूट्यूब चैनल सिविल कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड। दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स एंड एवरीवन, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं सेंटर लाइन, यहाँ पे सेंटर लाइन को यहाँ पे लाइन डाल रहे हैं। बने रहिए इस वीडियो पे पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी हासिल करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे मार्किंग किया गया, ओके, यहाँ पे देख सकते हैं सेंटर लाइन का मार्किंग किया गया है, मैं प्रीवियस वीडियो में बताया हूँ, कंटिन्यू देख सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से मार्किंग किया गया, जहाँ पे भी मार्किंग किया गया, ये फेस पे मार्किंग किया गया है, स्टेट देख सकते हैं मार्किंग किया गया है। इसी तरह से ये फेस पे भी मार्किंग किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फेस पे भी यहाँ पे मार्किंग किया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये पैरेलल ले लेंगे, यहाँ ये फेस को, ये फेस दिख रहा है यहाँ पे, ये फेस को और वो फेस को वहाँ पे लाइन ले लेंगे। जिस तरह से यहाँ पे लाइन डाला है, इसी तरह से यहाँ पे भी सेंटर लाइन डालने के बाद, ऐसा सेंटर लाइन है और ऐसा सेंटर लाइन डालने के बाद यहाँ फुटिंग का यहाँ पे डाल देंगे, ओके। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देन नेक्स्ट सेकेंड यहाँ पे डाल रहे हैं, देख सकते हैं। बने इस वीडियो पर पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी हासिल करने के लिए। जैसे कि वीडियो देख सकते हैं, ये जो है पार्ट 4 बनाया हूँ मैं, ओके। प्रीवियस वीडियो पार्ट 3 में मैं मार्किंग का बताया हूँ, कॉलम मार्किंग सेंटर लाइन का, और यहाँ पे सेंटर लाइन को यहाँ पे मार्कआउट कर रहे हैं, ओके। यहाँ पे देख सकते हैं सेंटर लाइन को यहाँ पे मार्कआउट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सेंटर लाइन कॉलम का 1, 2, 3 यहाँ पे सेंटर लाइन कॉलम का यहाँ पे हो चुका है। देन नेक्स्ट वन इज़ 4th वन, यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट डेवन 4th वन यहाँ पे है, ओके। ये वाला जो है 4th है, यहाँ पे देख सकते हैं। अरे वो इसके ऊपर उधर से ले हो जी, अरे वो पाइप के ऊपर से ले हो जी, ऐसा 4th वन है, देख सकते हैं यहाँ पे। बने रहिए इस वीडियो पे पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी हासिल करने के लिए, ओके। जैसे कि यहाँ पे 4 प्लॉट है, यहाँ पे 30x40 के 9 मीटर x12 मीटर के 4 प्लॉट है, यहाँ पे 4 प्लॉट का यहाँ पे कॉलम्स का मार्कआउट हो रहा है, यहाँ पे सेंटर लाइन का मार्कआउट हो रहा है, आप देख सकते हैं, ओके। बने रहिए इस वीडियो पे पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी हासिल करने के लिए।
आने जी चाचा आने जी आए देखो देखो भर ले को जल्दी जाएंगे नेक्स्ट इसके बाजू का रहेगा वहाँ पे माइकिंग किया नेक्स्ट उसका रहेगा देख सकते हैं दिस वन नेक्स्ट वन के उसके बाद वो वाला रहेगा उसके बाद वहाँ पे रहेगा ओके बने रहिए इस वीडियो पे पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी हासिल करने के लिए जैसे कि इसके बाद यहाँ पे ये वाली ये लाइन को सेंटर लाइन कर लेंगे ये पोर्शन में वहाँ पे देख सकते हैं मार्क यहाँ पे आप ये वाले को देख सकते हैं इसको ये वाले को मार्क करेंगे यहाँ पे ओके वर्कर्स भी है यहाँ पे लाइन जो है बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए जैसे कि यहाँ पे वर्कर्स भी हैं वहाँ से हम डोरी पकड़ेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट दिखना चाहिए जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे स्ट्रेट दिख रहे हैं यहाँ पे ओके यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से ओके यहाँ पे देख सकते हैं बता रहा हूँ आपको टोटल 4 फ्लाइट है यहाँ पे टोटल 4 प्लॉट है 30 x 40 फीट बोल सकते हैं 9 x 12 मीटर बोल सकते हैं ओके बने रहिए इस वीडियो पे पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी हासिल करने के लिए कुछ ही देर में ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी ओके किस तरह से यहाँ पे वर्क हो रहा है ओके देन नेक्स्ट वन इसका यहाँ पे मार्क हो जाएगा यहाँ पे इसका ये सेंटर लाइन कॉलम का करेंगे देन नेक्स्ट टू करेंगे उसके बाद यहाँ कंप्लीट हो जाएगा सेंटर लाइन कॉलम का नमाज हो गए अरे लाइन हट गई ना जी कॉलम क्या पूरी वीडियोग्राफी चल रही है जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट वन रहेगा यहाँ पे देन उसके बाद यहाँ पे पूरा मुकम्मल और कंप्लीट हो जाएगा ये सेंटर लाइन ऑफ कॉलम का मार्कआउट यहाँ पे मुकम्मल और कंप्लीट हो जाएगा ओके यहाँ पे देख सकते हैं इस वीडियो पे पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी हासिल करने के लिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं इफ़ यू फ्रेशर सिविल इंजीनियर प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल अवर चैनल नेम इज सिविल कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड एंड आल्सो सपोर्ट फॉर दी 10K सब्सक्राइबर ओके यू डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकॉन बटन टू गेट द ऑल न्यू नोटिफिकेशन फॉर द क्लिक द बेल आइकॉन बटन एंड प्रेस द बेल आइकॉन बटन टू गेट ऑल न्यू नोटिफिकेशन फ्रेंड्स एंड एवरीवन ओके सो दिस इज़ अ 4 प्लॉट कॉलम सेंटर लाइन मार्किंग हियर और वर्कर्स इज डूइंग दैट वर्क सो आई काइंडली रिक्वेस्ट टू वन एंड ऑल प्लीज कंप्लीट वॉच दिस वीडियो ओके स्टे इन दिस वीडियो एंड कंप्लीट वॉच दिस वीडियो सो फ्रेंड्स एंड एवरीवन जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पे वर्क हो चुका है जैसे कि पार्ट 4 कंप्लीट हो चुका है
जो मेरी नई जो वीडियो रहेगी वो पार्ट फाइव रहेगी। पार्ट फाइव में जैसा कि मैं ये जैसा कि यहाँ पे विड्थ में सेंटर लाइन दिया गया है, ये विड्थ में यहाँ पे सेंटर लाइन देख सकते हैं आप, सभी जगह यहाँ पे विड्थ में सेंटर लाइन दिया गया, उसी तरह से यहाँ पे लेंथ में भी सेंटर लाइन आएगा। देन उसके बाद फुटिंग का कालम किस तरह से प्लेसिंग होता है, फुटिंग का कालम किस तरह से प्लेसिंग होता है बताता हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो पार्ट फाइव में। इफ़ यू अंडरस्टैंड धीस वीडियो डोंट फॉरगेट अवर यूट्यूब चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल सिविल कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड। इफ़ यू हैविंग एनी डाउट तो धिस वीडियो एंड अनदर वीडियो यू कैन कमेंट सेक्शन फॉर यू यू कैन कमेंट एनी टाइम फॉर दी यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो यू कैन क्लिक द बेल आइकॉन बटन टू गेट दी ऑल न्यू नोटिफिकेशन। सो फ्रेंड्स एंड एवरी वन टेक केयर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।